ओम नमो नारायण। मैं विद्याश्री आपको निरोगी रहने के लिए एक सरल सा उपाय बता रही हूँ। धन्वंतरि भगवान का जन्म समुद्र मंथन के द्वारा धनतेरस के दिन हुआ था। धन्वंतरि भगवान अपने साथ में स्वर्ण का एक कलश लेके आए थे, जिसमें समस्त वनस्पतियों का रस था, जो कि अमृत कहलाया था। उसको पान करने से सभी देवता अमर हो गए। अब यहाँ पे बात करती हूँ आपकी आरोग्यता की। देखा है कि किसी बात की तकलीफ रहती है। प्रत्येक घर में कोई ना कोई दो व्यक्ति रोगी रहते ही हैं। उसका कारण क्या है कि आप अपने घर में धन्वंतरि भगवान का पूजन अर्चन नहीं करते। देखिए, निरोग रहने के लिए आप प्रतिदिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूजा के साथ दो क्षण धन्वंतरि भगवान का ध्यान अवश्य करें। देखिएगा, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार हो, वह उसे सुंदर काया, सुंदर रूप और सुंदर क्षण आने लगेगा और वो किसी प्रकार से रोगी नहीं होगा। देखें, आज प्रत्येक घर में डायबिटीज का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की किसी को शिकायत है, किसी को कम दिखता है, किसी का जबरदस्ती का वजन ज़्यादा हो रहा है, किसी को किसी ना किसी बात के रोग लगे हुए हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम धन्वंतरि भगवान का पूजन नहीं करते। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपसे सुंदर काया की। कुछ हमारे पास में युवा हमारी बहनें आती हैं और कहती हैं हमसे कि हमारा विवाह नहीं हो रहा है, हम इतने सुंदर नहीं हैं कि हमारे कुरूपता को देख करके हमें लड़के वाले पसंद नहीं करते हैं। उसके लिए आप घबराए नहीं। उसके लिए सबसे सरल उपाय यह है, भविष्य पुराण में भी यह लिखा है कि कार्तिक पक्ष के शुक्ल पक्ष की दूध से अश्विन कुमारों का आवाहन होता है। यह एक बहुत सरल अनुष्ठान है जो आप आपके घर में भी कर सकते हैं। यह अनुष्ठान सर्वप्रथम चव्वन मुनि ने किया था, जो अश्विन कुमार हैं। यह पहले इंद्रादि देवताओं के वैद्य थे, पर क्या हुआ, एक समय की बात थी, जो सुकन्या थी वह बहुत सुंदर राजा की पुत्री थी और इन्हें कुछ शाप अनुसार इन्होंने चव्वन मुनि से विवाह करना पड़ा, जो चव्वन मुनि बहुत हजारों वर्ष से तपस्या करके पूरी तरह से वह वृद्ध हो चुके थे और उनकी आँखों से भी उनको नहीं दिखता था। अश्विन कुमार के अनुष्ठान द्वारा उनकी कृपा अनुसार उन्होंने पूरी यौवन अवस्था प्राप्त हुई। तो यह जो अनुष्ठान है, जो कि हमारी युवा बहनों को करना है, वह दूध से आप प्रतिदिन 41 दिन तक अश्विन कुमारों के नाम की 108 आहुति डलवाएं, आहुति घर में ही डालें और देखिएगा, अब 6 महीने के अंदर आपको बहुत सुंदर यौवन प्राप्त होगा, बहुत सुंदर निखार प्राप्त होगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अश्विन कुमारों का आवाहन करना है। ये देखिए, कहते हैं कि रूप चौदस में जो तारों के नीचे स्नान कर ले, उसको भी बहुत सुंदर काया प्राप्त होती है। पर स्नान करने से कुछ नहीं होता, स्नान का भी एक विधि विधान है। आप जाकर के सवेरे किसी नदी पे, सरोवर पे या तालाब पे स्नान करें। अगर कहीं नहीं हो तो अपने घर में ही उबटन लगा कर आप स्नान करें और यह वरदान अश्विन कुमार से मांगे कि हे भगवान, हे देवताओं के वेदराज, हमने आपका आवाहन करते हैं, आप भी हमें देवताओं जैसे सुंदर काया, सुंदर निरोगिता प्राप्त हमें देने का कष्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघना देवगिर, जैसे कि आपने हमारे प्रोग्राम ज्योति से समाधान में आज देवी विद्याश्री ज्योतिषाचार्य जी को सुना है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं
और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते। दोस्तों, हमारे इस चैनल ज्योतिष विज्ञान और समाधान को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।